कहाँ जा रहे हैं आप? हम लोग केस जीत गए कामनी, कि हम अपनी दुल्हन को घर ले जा रहे हैं। हाँ प्यारे दोस्तों, अभी आपने छोटी सी झलक में दो कलाकारों को देखा। दोस्तों ऐसे और भी कलाकार हैं जिनके बारे में बताएंगे, जो सालों से लापता है और उनका परिवार आज भी उनकी राह देख रहा है। दोस्तों आइए बताते हैं इस वीडियो में इन्हीं से जुड़ा किस्सा। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इंटरेस्टिंग बॉलीवुड की खबरें ऐसे ही सुनाते रहते हैं। तो दोस्तों देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों 80 के दशक में राज किरण इंडस्ट्री के काफी फेमस चेहरे थे। उन्होंने तेरी मेहरबानियां, घर हो तो ऐसा, बुलंदी और कर जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया और खूब शोहरत भी बटोरी। देखते देखते बॉलीवुड के डिमांडिंग एक्टर बन गए थे। फिर वो एक दौर आया जब राज किरण को काम नहीं मिला और वो डिप्रेशन में चले गए। उनकी पर्सनल लाइफ भी ठीक नहीं रही, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ खराब होने का राज किरण पर बुरा असर पड़ा और ग्लैमर इंडस्ट्री से पूरी तरह गुम हो गए। और सालों बाद पता चला कि राज किरण मुंबई के भाईकला मेंटल असाइलम में भर्ती है। दोस्तों साल 2011 में दिवंगत ऋषि कपूर को अपनी कर्ज फिल्म के को एक्टर की मौत की अफवाह मिली, तो उन्होंने राज किरण के भाई को फोन किया था और इस दौरान ऋषि को पता चला कि राज किरण अमेरिका के पागलखाने में है। वहीं दीप्ति नवल ने खुलासा किया कि उन्होंने राज किरण को अमेरिका में टैक्सी चलाते देखा था। राज किरण 1999 से गायब है और वो इस समय कहां किस हाल में है किसी को नहीं पता। दोस्तों दूसरा कलाकार है जो कि एक लेडीज कलाकार है जिनका नाम है जैस्मिन धुन्ना, जिनको जैस्मिन के नाम से फेमस है। साल 1988 में आई हॉरर फिल्म वीराना में खूबसूरत चुड़ैल के किरदार में आपने देखा था और उन्होंने इस किरदार से खूब शोहरत बटोरी थी। हालांकि इस एक फिल्म के बाद जैस्मिन इंडस्ट्री से गुमनाम हो गई। जैस्मिन कहां चली गई किसी को आज तक नहीं पता। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि एक्ट्रेस पर एक अंडरवर्ल्ड डॉन की नजर पड़ गई और बस उसी के डर से जैस्मिन लापता हो गई। दोस्तों तीसरा कलाकार है विशाल ठक्कर, जिन्होंने टैंगो चार्ली में संजय दत्त स्टारर मुन्ना भाई MBBS में खूब पॉपुलरिटी हासिल की थी। चांदनी बार में वो तब्बू के बेटे का रोल प्ले किया था। विशाल भी साल 2016 से लापता है, उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है अब तक कि वो अब कहाँ है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साल 2016 में विशाल ने अपनी माँ से कुछ पैसे लेकर फिल्म देखने के लिए निकले थे। उसके बाद उसी रात को उन्होंने अपनी फैमिली को दोस्तों संग पार्टी में जाने का मैसेज भी किया था, लेकिन इसके बाद से विशाल कभी घर नहीं लौटे और उनका परिवार उस एक्टर की अब तक राह देखते देखते थक चुका है। तो दोस्तों ये थे कलाकार जो अब तक गायब हैं, यानी जो खास आदमी हुआ करते थे वो गायब हैं। तो दोस्तों आम आदमी का क्या ही कहना कि उनका कोई पता नहीं चला। तो दोस्तों ये थी इन तीन कलाकारों के बारे में जो कई सालों से गायब है और अब तक उनका पता नहीं चला। ऐसे और इंटरेस्टिंग बॉलीवुड की खबरें हम आपको लेकर आते रहेंगे। बस दोस्तों आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अदर प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।